हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 30 साइज का कटोरी ब्लाउज, जिसकी स्लीव्स होगी यहाँ पे 3/4 स्लीव्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.25 मीटर कपड़ा लिया है और 1.25 मीटर अस्तर लिया है। यहाँ पे हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे, फिर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। इसका बैक पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग का। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है। सबसे पहले हम एक नीचे 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हम मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है, इसलिए 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। और स्क्रीन पे जो आप मेजरमेंट देख रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। अब हम साइड में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच पे हुक और आई की पट्टी के लिए। अब हम लेंथ लेंगे, लेंथ हमें तैयार लेंथ रखनी है 12.5 इंच, 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और 13 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने 1 इंच की लाइन ड्रॉ की थी, उसी के ऊपर हमें 13.5 इंच पे निशान लगाना है। आगे भी हम 13.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब इस लाइन के ऊपर लेंगे हम शोल्डर, शोल्डर हम लेंगे ये 1/2 इंच छोड़ते हुए, 4.5 इंच हमें शोल्डर रखना है यहाँ पे। डीप नेक के अकॉर्डिंग 30 चेस्ट में 4.5 इंच हमें शोल्डर रखना है, मतलब कि 4.75 शोल्डर रखना है। और आर्मोल्स रखना है यहाँ पे हमें 5 इंच 30 साइज में। डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे शोल्डर रखा है 4.5 इंच और आर्मोल्स रखे हैं मैंने यहाँ पे 5 इंच। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन के ऊपर लेंगे हम चेस्ट, चेस्ट है हमारी 30-30 का 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हम नीचे की साइड वेस्ट का निशान लगाएंगे, वेस्ट है हमारी 27, उसका 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 4.75 इंच, मतलब कि 6.75, 1 इंच हम टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे जितना हमने चेस्ट में किया था। और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे, जैसे कि हमारा ये डीप नेक है, तो डीप नेक में हम गले की तरफ 1/2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं, तो 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। और आर्मोल्स भी हम यहाँ पे डाउन करेंगे 1/2 इंच पे। फ्रंट पार्ट में हम आर्मोल्स डाउन करते हैं 1/2 इंच पे, तो 1/2 इंच पे हम आर्मोल्स डाउन कर लेंगे ऐसे। अब हम आर्मोल्स का शेप देंगे, तो अंदर वाले कोने पे टेप को रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे राउंड शेप दे देंगे आर्मोल्स का। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे, नेक की लेंथ में यहाँ पे रख रही हूँ 5.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आपको जितना डीप चाहिए उतना। और ऊपर से नेक की ब्रिथ में यहाँ पे रख रही हूँ 1.75, मतलब कि 1.25 इंच, और नीचे से रख रही हूँ 2.25 इंच। और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे राउंड शेप ऐसे। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, यहाँ पे हमें तैयार लेंथ रखनी है 12.5 इंच, 12.5 इंच में हम 1/2 इंच कम कर देंगे और 12 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट का। अब हम 12 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे बेल्ट के लिए। अब हम बेल्ट का शेप देंगे, यहाँ से ऊपर की साइड लेंगे हम 0.5 इंच, मतलब कि 0.75, और यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच, क्योंकि ये हमारा जो साइज है वो कम है, इसलिए यहाँ पे 1.5 इंच ही लेना है। 1.5 इंच में हमें बेल्ट का शेप देना है ऐसे। अब हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे, तो कटोरी के लिए हम ये 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से आर्मोल से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक से हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे कटोरी का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे हम कट कर लेंगे।
यहाँ से हम कटोरी पे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इसे कट कर लेंगे। अब हम कटोरी बड़ा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बचा हुआ पेपर लिया है। पहले हम इस कटोरी को एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे इस पेपर पे। एज इट इज ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से बढ़ा कर लेंगे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और दूसरी साइड भी 1 इंच बढ़ा कर लेंगे हम ऐसे, और ऊपर से हम बढ़ा कर लेंगे यहाँ पे 1/2 इंच मतलब कि 1/2 इंच और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब इस साइड भी हमें 1/2 इंच बढ़ा कर लेना है और इसे हमें नीचे वाले पार्ट से मिला लेना है ऐसे। देखिए अब नीचे से हम बढ़ाएंगे कटोरी, तो हमें यहाँ पे देखिए इसे मेजर करना है ऐसे और इसका हाफ कर लेना है टेप को फोल्ड करते हुए ऐसे, और यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेना है। अब सेंटर में हम यहाँ पे बढ़ा कर लेंगे 1/2 इंच, 1/2 इंच में निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब ये सेंटर वाले निशान को हम दोनों साइड मिला लेंगे ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कटोरी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे 2.5 इंच पे, तो 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब टक्स के लिए देखिए इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और जो भी आपका नीचे से छोटा बड़ा हो रहा है पार्ट उसे कट करके आप बराबर कर ले। और यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे 1.25 इंच पे मतलब कि 1.25 पे, और इसे हम ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके मैं बताती हूँ आपको, ये हमारी कटोरी ऐसे रेडी होगी। अब हम अस्तर पे कटिंग करेंगे सभी पार्ट्स को। ये देखिए इसे हमें ऐसे रख लेना है और एज इट इज ड्रॉ कर लेना है इसे। बस हमें कटोरी की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है इसे। कटोरी वाली साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे मार्जिन के लिए। और सेम ऐसे ही हमें बेल्ट भी अटैच कर लेना है यहाँ पे। देखिए बेल्ट पे भी हमें एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही हम कटोरी भी कट करेंगे। अब हम बचे हुए फैब्रिक में स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को हम 4th फोल्ड पे रख लेंगे ऐसे और नीचे से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़ा बराबर करने के लिए। अब इसके ऊपर लेंगे हम लेंथ, हमें तैयार लेंथ यहाँ पे चाहिए स्लीव्स की 16.5 इंच मतलब कि 16.5 इंच। 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे और स्लीव्स डाउन करेंगे हम यहाँ पे 3 इंच पे, क्योंकि ये हमारा छोटा साइज है। अगर बड़ा साइज होता है यहाँ पे हैवी साइज तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच पे स्लीव्स डाउन करना होगा। अब हम आर्मोल्स की गोलाई लेंगे। आर्मोल्स की गोलाई हमारी 13 इंच, उसका आधा लेंगे हम 6.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे और ऐसे निशान लगाकर हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब नीचे की साइड हम स्लीव्स फिटिंग का निशान लगाएंगे। स्लीव फिटिंग है हमारी 9 इंच, उसका आधा लेंगे 4.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेकर इसे हम कट कर लेंगे। एक साइड हम खोलेंगे और गहराई दे देंगे फ्रंट पार्ट के लिए, और जिस साइड हमने गहराई दी है वो साइड हमें दोनों साइड क्रॉस निशान लगा लेना है ताकि स्टिचिंग के टाइम हमें पता चले ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम सभी पार्ट्स को मैन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मैन फैब्रिक लिया है। अब हमें जितना चाहिए उतना फोल्ड कर लेंगे हम
और इसके ऊपर देखिए ये हम हमारा फ्रंट पार्ट रखेंगे और चारों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे हम कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम कटोरी भी कट कर लेंगे और स्लीव्स भी कट कर लेंगे। और बेल्ट भी कट कर लेना है हमें। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटोरी ली है, इसे हमें उल्टा रखना है मेन फैब्रिक को और इसके ऊपर हमें अस्तर रखना है ऐसे। और दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए, मतलब दोनों फैब्रिक को ज्वाइंट करने के लिए हमें सिलाई लगा लेनी है पूरी कटोरी में। अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए कटोरी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ पे। सवा एक इंच पे हमें टक्स का निशान लगाना है यहाँ पे और लेंथ में हमें यहाँ पे रखना है 2.5 इंच और ऐसे टक्स लगा लेना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमारी कटोरी बनकर रेडी है। अब इसके साइड वाला पार्ट हम रेडी करेंगे। इसे भी हम मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट करने के लिए पूरे में सिलाई लगा लेंगे अच्छे से रखते हुए। ध्यान रखें यहाँ पे दोनों फैब्रिक को ज्वाइंट करते हुए कोई भी सल या रिंकल ना आना चाहिए आपके कपड़े में। अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम कटोरी ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हमें दोनों को नीचे से बराबर करके पकड़ना है ऐसे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है हमें। आपको अच्छे से एडजस्ट करता जाना है यहाँ पे कपड़े को और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। डबल सिलाई लगा लेंगे हम कटोरी पे। तो देखिए यहाँ पे हमारी कटोरी ज्वाइंट हो चुकी है। नेक की तरफ से आपका जो भी छोटा बड़ा पार्ट हो रहा है उसे आपको कट कर लेना है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट को भी आपको मैन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइंट करने के लिए चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद देखिए हम आगे से ऐसे बराबर करके पकड़ेंगे इसे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ज्वाइंट लगाएंगे, मतलब कि बेल्ट अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको टक्स को अच्छे से फोल्ड कर लेना है अंदर से। अब हम ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मेन फैब्रिक की पट्टी। देखिए इसे उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए मेन फैब्रिक की पट्टी ली है, इसे हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और पट्टी मार्जिन वाले पार्ट को हम पट्टी की तरफ करेंगे और इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे नीचे और ऊपर से दोनों साइड से। अब हम दूसरी साइड भी पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम अस्तर वाली पट्टी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सीधा रखा है और इसके ऊपर हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे ऐसे। देखिए ऐसे रखते हुए हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम पट्टी को ऐसे पलटेंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारी दोनों पट्टी लग चुकी है। तो हम दोनों पट्टी को चेक कर लेंगे। जो भी हमारा छोटा बड़ा पार्ट हो रहा है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए इसे हम ऐसे पकड़ेंगे नेक की तरफ से बराबर करते हुए और नीचे से जो भी आपका छोटा बड़ा पार्ट है उसे आपको कट करके बराबर कर लेना है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ली है। इसे हम आगे से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को हम पलटते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी कमर पट्टी लगा लेनी है।
ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड कमर पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। तो अब हम नेक रेडी करेंगे। नेक के लिए मैंने यहाँ पे उरेप पट्टी ली है, जिसे हम तिरछी पट्टी भी कहते हैं। इसे हम आगे से हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारी आगे से फिनिशिंग हो चुकी है। और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को अटैच करेंगे नेक में। ध्यान रखें यहाँ पे आपको नेक बिल्कुल नहीं खींचना है, और पट्टी को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए हमें अटैच कर लेना है। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, और अंदर पूरे नेक में हमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है। अब हम पट्टी को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम पट्टी को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे, और ऊपर की साइड हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी नेक रेडी कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड के नेक रेडी कर लिए हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे देखिए ऐसे, और नेक की साइड से हम बराबर करके पकड़ेंगे, और यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। आगे से आपको अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि आपकी सिलाई ना खुले। सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला शोल्डर भी जॉइंट करेंगे। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकालेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकालने के लिए बैक पार्ट में आपको सेंटर मार्किंग कर लेनी है ऐसे, और हुक और आई की पट्टी को आपको ऐसे रखना है। देखिए आई वाली पट्टी को आपको सेंटर से आगे करके रखना है, और उसके ऊपर आपको हुक वाली पट्टी रखना है ऐसे, और पिनअप कर लेना है। ऊपर की साइड भी एक पिन लगा लेनी है आपको। अब हम साइड से चेक करेंगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको कट करके बाहर निकालना है। ये देखिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, उसे हमें कट कर लेना है। सेम ऐसे ही हम आर्मोल्स भी चेक करेंगे। आर्मोल्स में भी आपका जो भी छोटा बड़ा पार्ट है उसे आपको कट करके बराबर करना है, और दूसरी साइड भी हम चेक कर लेंगे सेम ऐसे ही। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स का मैन फैब्रिक लिया है, इसे हम सीधा रखेंगे, और इसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे, और कटिंग के टाइम जो हमने क्रॉस निशान लगाया था वो हमारा अंदर की तरफ आना चाहिए, और इसे हम ऐसे रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम अस्तर वाले पार्ट को ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटते हुए अस्तर वाले पार्ट पे सिलाई लगाएंगे। अब हम अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और ऊपर की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम पूरी स्लीव्स में मैन फैब्रिक और अस्तर को जॉइंट करने के लिए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद पूरे में एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करेंगे, और ऊपर से चेक कर लेंगे जो भी आपका छोटा बड़ा पार्ट है यहाँ पे भी स्लीव्स में, उसे आपको कट करके दोनों साइड का बराबर कर लेना है, मार्जिन वाले पार्ट तक, मतलब मार्जिन वाले निशान तक, और सेंटर में एक कट लगा लेना है ऐसे। अब इसे हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज लिया है। अब यहाँ पे आर्मोल्स की तरफ जो भी शोल्डर आपका छोटा बड़ा है उसे आपको कट करके बराबर कर लेना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसके ऊपर हम स्लीव्स रखेंगे। जो हमारा क्रॉस निशान लगाया था हमने कटिंग के टाइम, वो हमारा फ्रंट साइड आना चाहिए, और जो हमने कट
सेंटर मार्किंग की थी स्लीव्स में, वो हमारी शोल्डर की सिलाई पे रखनी है हमें ऐसे, और यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपको स्लीव्स अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी फिनिशिंग के साथ स्लीव्स अटैच हो चुकी है। सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद हम स्लीव्स को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट करने के लिए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। वेस्ट है हमारी 27 का फोर्थ पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 7.5 इंच मतलब कि 6.75 पे निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी 6.75 पे निशान लगा लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी यहाँ पे 30 का हम फोर्थ पार्ट लेंगे यहाँ पे मतलब कि 7.5 इंच मतलब कि 7.5 इंच। दूसरी साइड भी हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स फिटिंग का निशान लगाएंगे। स्लीव्स फिटिंग है यहाँ पे हमारी 9 इंच, उसका आधा लेंगे हम यहाँ पे 4.5 इंच, 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये लाइन जो हमारी है हमेशा सीधी आनी चाहिए। यहाँ पे मेरी लाइन सीधी आई है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पे और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए स्लीव्स को आपको बराबर करके पकड़ना है यहाँ पे और जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगा लेना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए साइड में एक और सिलाई लगा लेंगे हम। अब आपको जितना मार्जिन के लिए कपड़ा रखना है उतना रखिए और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लीजिए। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।